गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे आज हम लोग अपने जे आई जेल के रिविजनरी बैच के अंदर न्यू टॉपिक की रिविजन करने लगे हैं जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जीरो एट राइट बड़े ध्यान से सुनते हैं बच्चे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं जब हम इस कोड की बात करते हैं बेसिकली ये भी कोड एक्ट नहीं है और कोड के अंदर मैंने आपको बताया था एक मैटर पर एक से ज्यादा लॉ होते हैं तो कोड होता है

बेटा मेरे को एक चीज बताओ सुनिएगा ध्यान से लैंडलॉर्ड और टेनेंट का झगड़ा हो गया मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा हो गया यह सिविल मैटर है आपने मेरे को माल बेचना था आपने मेरे से एडवांस लिया था आपने मुझे गुड्स की डिलीवरी टाइमली नहीं करी ये भी सिविल मैटर है आपने मेरा कॉपीराइट राइट कर दिया ये भी सिविल मैटर है आपने किसी का ट्रेडमार्क इन्फ्लुंस कर दिया ये भी सिविल मैटर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया ये भी सिविल मैटर है तो कहने का मतलब मैटर्स दो ही तरीके के होते हैं सिविल एंड क्रिमिनल क्रिमिनल मैटर्स को सीआरपीसी में डील किया जाता है जबकि सिविल मैटर्स को सीपीसी में डील किया जाता है याद बात इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं सीपीसी नाइनटीन राइट जी इतनी बात क्लियर है राइट right. अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा सर एक चीज बताइए ये नाइनटीन का एक्ट है राइट right?

मेरी कंटेंट नहीं दी आपने मेरा कंटेंट चोरी कर लिया या आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरे साथ कोई लॉ मेरे साथ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तोड़ा किस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेमेडी किस में मिलेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेकिन रेमेडी कैसे मिलेगी उसका प्रोसीजर कहां है सिविल प्रोसीजर

पॉइंट मान लो आपने मेरा किया कॉपीराइट और अब कॉपीराइट एक्ट में कुछ चीज और लिखी है सीपीसी में कुछ और लिखा है बताओ जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो स्पेसिफिक वाला जनरल को ओवर रूल कर जाता है आया ना यस और नो लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर मान लो मेरा कॉपीराइट आपने इन्फ्लुस किया और वहां पर किसी चीज को लेकर कोई प्रोविजन साइलेंट है जहां पर साइलेंट है वहां पर कौन सा लग जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड लग जाएगा नो देखिए यहां पर क्या कह रहा है सुनिएगा कहता है इसका एम एंड स्कोप था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड सिविल प्रोसीजरल लॉस ये एक जनरल लॉ है अगर कोई कॉन्फ्रेंटेशन हुई तो स्पेसिफिक लॉ सीपीसी को प्रिवेल कर जाएगा राइट मतलब ट्रांसफर आपका और मेरा प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसको सुपरसीड कर जाएगा आपको और मेरा कॉन्ट्रैक्ट को लेकर झगड़ा हो रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको सुपरसीड कर देगा। आपका मेरा कॉपीराइट को लेकर झगड़ा हो रहा है तो कॉपीराइट एक्ट इसको सुपरसीड कर देगा, राइट मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है मोरल ऑफ कि भाई साहब ये एक जनरल लॉ है जिस स्पेसिफिक लॉ का वायलेशन हुआ है या जिस स्पेसिफिक क्योंकि सिविल मैटर किसी ना किसी लॉ से रिलेटेड होगा जिस भी लॉ से रिलेटेड है वो लॉ इसको ओवर रूल कर जाएगा अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो उसमें भी जो लिखा और

स्केड्यूल दिया हुआ है right? राइट एक चीज याद रखिएगा जितने भी प्रोसीजरल लॉज होते हैं उनके अंदर ऑर्डर नंबर नंबर आप पढ़ोगे इसके अंदर से, आप जो जितना सिविल प्रोसीजर कोड हम पढ़ रहे हैं ना हम बहुत बेसिक सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं मतलब ये पढ़ने के बाद आप हम 11 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे ये पढ़ने के बाद आप खुद को वकील नहीं समझ सकते यू युगान से मैं एडवोकेट हो गया अब तो मैं जाके केस लड़ूंगा ऐसा नहीं है जब एडवोकेसी की बात करते हैं तो उसमें सीपीसी बहुत डिटेल में आता है समझ आ रही है बात क्लियर है एलएलबी के अंदर सीपीसी दो साल पढ़ाया जाता है पूरा पूरा पेपर सीपीसी वन सी सी टू मतलब दो सौ नंबर का आपको बच्चे। अब ना मेरी बात को ना पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा इधर जो मैं कहना चाह रहा हूं कहानी सुनिएगा बच्चे इधर आपने मेरे से एडवांस लिया और एडवांस लेके आपने मुझे रॉ मटेरियल देना था दस तारीख को ठीक है आपने मुझे दस तारीख को रॉ मटेरियल नहीं दिया इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आपने मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच कर दिया नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आया ना राइट जब आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया अब सुनिएगा बड़े ध्यान से मैं कोर्ट में जाऊंगा इधर सुनिए बच्चे मैं कोर्ट में जाऊंगा मैं कोर्ट में जाके क्या बोलूंगा पहले ये समझिए सबसे पहली चीज

या चलो अगर कल कल को प्रूव होता है कि आपके साथ गलत हुआ तो मुझसे क्या चाहते हो उसका रिलीफ या रेमेडी क्या बोलेंगे yeah. रिलीफ या रेमेडी क्लियर है <laughs> कई बार हम इसको प्रेयर भी बोल देते हैं प्रेयर में हम रेमेडी लिखते हैं कि जी मैं आपसे ये चाहता हूं मैं चाहता हूं मुझे माल दिलवाया जाए मैं चाहता हूं मुझे मेरा एडवांस वापस दिलवाया जाए मैं चाहता हूं जो मुनाफा होने वाला था नहीं हुआ उसका भी कुछ परसेंटेज दिलवाया जाए तो वॉट एवर यू वॉन्ट वाई आर यू नॉकिंग एट द डोर ऑफ जुडिशियरी बिकॉज आई वॉन्ट सो एंड सो रिलीफ आई वॉन्ट सो एंड सो

हाँ या ना अच्छा एक चीज बताओ जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड्स आते हैं कंप्लेंट यहां पर वर्ड आता है प्लेट इसीलिए हम हम क्या बोलते हैं याद रखना हम कभी ये वर्ड नहीं बोलेंगे सिविल मैटर में हम कभी नहीं बोलते कंप्लेंट फाइल हुई है नहीं क्या फाइल हुई है प्लेन्ट इसलिए हम कौन है प्लेटिव या पेटिशनर सामने वाला कौन है रिस्पॉन्डेंट या डिफेंडेंट एम आई क्लियर इतनी बात समझ आई अब देखो मैं क्या कह रहा हूं इधर ध्यान से ये बात तो समझ आ गई ये पांच टर्म समझ आ गई मैं कौन हो गया प्लेटिफ या पेटिशनर आप जिसके अगेंस्ट केस हो हो रहा कौन डिफेंडेंट या रिस्पॉन्डेंट थर्ड कौन हो गया कोर्ट मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में क्यों जा रहा हूं बिकॉज इज कॉज ऑफ एक्शन और वो कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट मैं कोर्ट से क्या चाह रहा हूं रेमेडी या रिलीफ ओके डन अब सुनिए यहां पर कहता है जी देखिए एक वर्ड आ रहा है डिक्री डिक्री होल्डर जजमेंट जजमेंट डेटर एंड ऑर्डर और. पांच टर्मनोलॉजी आ रही है देखो ग्री डिग्री होल्डर जजमेंट जजमेंट डेटर एंड ऑर्डर पहले मेरी बात सुनिएगा अब मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने मेरा कॉपी राइट किया मान क्या लो सच्चाई है किया हुआ अब केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर जब कोर्ट में केस चल रहा है अभी कितना टाइम हो गया कोर्ट में केस चलते हुए अराउंड एक साल होने वाला है अभी और कम से कम एक साल चलेगा इंडिया में कोर्ट में केस चलते हैं आज क्या डेट है आज है हमारी सेवेंथ ऑफ मे सात मई दो हजार उन्नीस से आज राइट सेवेंथ में दो हजार उन्नीस है नेक्स्ट डेट जो हमारी पड़ी है वो पड़ी है तीन जून की तीन जून को डेट है ठीक है अब जब तीन जून को डेट है उसके बाद फिर अगली डेट पड़ेगी मुझे उम्मीद है कि 2019 खत्म होते होते केस खत्म हो जाना चाहिए एट लास्ट मान लो कोर्ट को लगता है कि अमित सर आपका कंटेंट है सारा आप क्रिएटर हो और आपके साथ गलत हुआ है आप केस जीत गए ठीक है जी भाई जब दो पार्टीज कोर्ट में आएंगी तो एक जीतेगी एक हारेगी जो जीतती है जो जीतने वाली जो विनर पार्टी होती है उसको होता है डिग्री होल्डर जो हारने वाली पार्टी होती है और तो है जजमेंट डेटर ये चीज याद रहेगी क्लियर है तो यहां जहां मैं लिख रहा हूं डिक्री होल्डर मैं इसको लिख सकता हूं विनर और जजमेंट डेटर जो लूज कर गया लूजर राइट देखो क्या कह रहा है डिक्री होल्डर पर्सन इन फेवर ऑफ होम डिक्री हैज बीन पास एंड जजमेंट डेटर पर्सन अगेंस्ट होम हैज बीन पास अगेंस्ट क्लियर है तो जीतने वाला कौन हो गया डिग्री होल्डर हारने वाला कौन हो गया डेटर इतनी बात समझ आ गई क्लियर है सबको अब जान से। अब सुनिए से कहता है सर ये बताइए कि डिग्री क्या होता है हमने कहा जिसके फेवर में डिग्री पास होती है वो डिग्री होल्डर है जिसके अगेंस्ट होती है वो जजमेंट डेटर है सर डिग्री होता क्या और जजमेंट क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है देखो पांच में से दो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई जीतने वाले को डिग्री होल्डर हारने वाले को जजमेंट डेटर अब तीन डेफिनेशन कौन कौन सी रहेगी जजमेंट डिग्री एंड ऑर्डर क्लियर है पहले मेरी बात सुनिएगा जजमेंट हमेशा लास्ट में दी जाती है याद रहेगा जजमेंट हमेशा लास्ट में दी जाती है जजमेंट से पहले या डिग्री होती है या ऑर्डर होता है यह बात समझ आती है जजमेंट से पहले क्या होती है या डिग्री या ऑर्डर जजमेंट हमेशा लास्ट में दी जाती है यह बात समझ आ रही है अब सुनो ध्यान से डिग्री या ऑर्डर में से एक चीज दी जाती है दोनों नहीं देते मतलब जब कोर्ट चल केस चल रहा है या डिक्री आएगी या ऑर्डर आएगा और उसके एक हफ्ते के बाद चार पांच दिन के बाद जजमेंट आएगी क्लियर है पहले तो सर ये बताओ कि डिक्री या ऑर्डर पहले आता है और जजमेंट बाद में आती है दोनों में फर्क क्या होता है अगर आप लोगों ने कई बार सुना हो तो कोर्ट के अंदर क्या होता है जैसे मान लो कोई केस चल रहा है अभी ना तीन चार दिन पहले आसाराम बापू के बेटे को सजा हुई है कितने लोगों ने ये बात सुनी है काफी लोगों ने सुनी है मेरी बात सुनना पहले जो मैं कह रहा हूं आसाराम बापू के बेटे को जो सजा हुई है उसमें क्या हुआ सुनिए सबसे पहले तो केस चल रहा था उस पर रेप का जैसे वो राम रहीम पे चल रहा था जब रेप का केस चल रहा था तो आज प्रूव हो गया कि हाँ जी आपने आप गिली हो आपने रेप किया ठीक है जी तो कोर्ट ने बोल दिया जी कोर्ट सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पे पहुंची है कि आप दोषी हो आपको दोषी करार दिया जाता है ये आज फाइनल हो गया अब ये ना आपके अगेंस्ट ऑर्डर या डिक्री आ गया क्या है अभी मैंने बता रहा ऑर्डर या डिक्री आ गया जजमेंट आएगी चार दिन के बाद चार दिन के बाद मतलब अब देखा जाएगा कि आपको कितने टाइम की सजा देनी है क्योंकि रेप के अंदर लिखा गया अप अप टू टू रेयर ऑफ द केस में बोला गया अप टू 10 अब आपको सात साल की देनी है कि दस साल की देनी है कि चार साल की देनी है या दो साल की देनी है ये तो जज की मर्जी है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा था ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन याद आ रहा है आपको अगर लिखा अप टू टेन ईयर्स तो अब ये जज डिसाइड करेगा कि कितनी जज कितनी साल की सजा

और चार दिन बाद बोले कोई पैसे नहीं देने ऐसा नहीं हो सकता या आज बोले अमित वोरा चार दिन बाद बोले अमित वोरा चल तू पैसे दे ऐसा तो नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है डिक्री या ऑर्डर जो आया है उसी के बेसिस पे बे तो जजमेंट आएगी तो जजमेंट कभी भी डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं हो सकती एम आई क्लियर इतनी बात समझ आ गई डन भाई अगर आज डिसाइड हो गया मैं सही हूं और सामने वाला गलत है जैसे दो भाइयों का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है कोर्ट ने बोल दिया प्रॉपर्टी बड़े भाई की है आज बोल दिया फिर तीन चार दिन के बाद जब जजमेंट का दिन आता है तो कोर्ट बोलेगा छोटे भाई को या तो तू तो इसे दो करोड़ रुपया दे नहीं तो एक महीने में प्रॉपर्टी खाली कर ये क्या हो गई जजमेंट हो गई क्लियर है बात याद रहेगी तो जजमेंट इज ऑलवेज गिवन आफ्टर ऑर्डर और डिक्री क्लियर है अब यहां पर बात आती है सर ऑर्डर या डिक्री में फर्क क्या होता है इतना तो क्लियर हो गया पहले क्या आता है ऑर्डर या डिक्री और उसके बाद क्या आती है जजमेंट जजमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर और डिक्री जजमेंट कभी ऑर्डर या डिक्री से अलग नहीं हो सकती डन अब सुनिए सर ऑर्डर या डिग्री में फर्क क्या होता है सुनिएगा कोर्ट जब कुछ कहता है तो वो डिक्री है और कोर्ट जब कुछ करने के लिए कहता है तो वो ऑर्डर है मैंने क्या लैंग्वेज बोली कोर्ट जब कुछ कहता है वो डिक्री है कोर्ट कुछ करने के लिए कहता है वो ऑर्डर है डिक्री में डिक्लेरेशन होती है आपके राइट्स की डिक्री में डिक्लेयर होते हैं किसका राइट है, किसकी लाइबिलिटी है और ऑर्डर में एग्जीक्यूशन का स्कोप होता है आई रिपीट डिक्री में आपके राइट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर होते हैं और ऑर्डर में एग्जीक्यूशन का स्कोप होता है सुनिए ये प्रॉपर्टी बड़े भाई की है छोटे भाई का इसमें कोई राइट right नहीं है ये क्या है डिक्री या ऑर्डर बड़े भाई की है ये प्रॉपर्टी छोटे भाई का इसमें कोई राइट right या ओनरशिप नहीं है ये कोर्ट ने कुछ करने को कहा या डिक्लेयर किया कुछ डिक्लेयर किया तो ये क्या है डिक्री छोटे भाई को तीस दिन का समय दिया जाता है घर खाली करने के लिए यह क्या ऑर्डर है समझ आ रही है ये बात यस और नो तो इसका मतलब जहां पर कोर्ट कुछ डिक्लेयर करता है उसे हम डिक्री बोलते हैं क्या डिक्लेयर करेगा आपके राइट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर करेगा और जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया या डिक्री नहीं दी कुछ और बात बोली जिसको एग्जीक्यूशन के स्कोप की जरूरत है उसे हम क्या बोलेंगे ऑर्डर याद रहेगी बात याद रहेगा तो मतलब जज जब भी कुछ बोल रहा है डिक्लेयर कर रहा है वो डिक्री है डिक्लेरेशन विद एग्जीक्यूशन है तो वो ऑर्डर है राइट याद रहेगा हमने पांच डेफिनेशन बड़ी पांचों की जो क्लियर हो गई सबसे पहली कौन सी है जीतने वाला डिक्री होल्डर हारने वाला जजमेंट एटर जजमेंट फाइनल डिसीजन है जो ऑन दी बेिस ऑफ डिक्री और ऑर्डर आता है डिक्री मेयर डिक्लेरेशन है जिससे राइट और लाइबिलिटीज डिक्लेयर होते हैं ऑर्डर ओर, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या दी गई है ऑर्डर की डेफिनेशन है जजमेंट अदर देन डिक्रीज ऑर्डर ये बात समझ आ रही है जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है अच्छा एक चीज और याद रखिएगा सुनिए ध्यान से अगर हम बात करते हैं सीपीसी की सिविल प्रोसीजर कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं इसमें ऑर्डर की बात कर रहा हूं ऑर्डर अंडर सीआरपीसी की बात नहीं कर रहा इसकी बात कर रहा हूं अब अगर हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हम लोअर लेवल से सेटिस्फाइड नहीं हुए हम हायर लेवल पे जाके अपील फाइल करेंगे होता है याद रखेगा हमेशा जो डिग्री है वो अपीलेबल होती है जो ऑर्डर है वो अपीलेबल नहीं होता याद रहेगा जनरली मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं क्या जनरली जनरली सीपीसी में जितने ऑर्डर आते हैं उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकती याद रहेगा जनरली डिग्री इज अपीलेबल ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल बट मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं जनरली सीआरपीसी में आर ऑर्डरबल क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में आर ऑर्डरबल सिविल प्रोसीजर कोर्ट में ऑर्डर याद रहेगी देखिए मैं क्या कह रहा हूं देखते हैं सबसे पहले देखिए कहता है सर सबसे पहले देखते हैं हम जजमेंट की डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है जजमेंट की पहले ये वाली डेफिनेशन पढ़ो सेक्शन टू क्लॉज नाइन जजमेंट एक स्टेटमेंट है गिवन बाय जज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री और ऑर्डर यही बात मैंने आपको बताई कहता है जी जजमेंट कंसाइज होती है शॉर्ट होती है आप बताओ केसेस चलते हैं पांच पांच साल दस दस साल पंद्रह पंद्रह साल क्या जजमेंट उस हिसाब से दो दो सौ पेजिस की होती है यह जजमेंट बड़ी शॉर्ट और कंसाइज होती है कहते हैं शॉर्ट होती है कंसाइज होती है पॉइंट वाइज होती है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री तभी तो जब केस चलता है आपने देखा नी कभी कभी वकील देखो केस इतने साल चलता है अब जज को क्या याद रहेगा पिछली हेयरिंग में क्या हुआ था एक एक दिन में जज सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी हंड्रेड हंड्रेड केसेस हैंडल करते हैं अब जज को कैसे पता चलेगा तभी तो वो वकील बोलता noted, सुना है जज तो मतलब रीजनिंग जो, जो है उसके बेसिस पे जजमेंट आती है जजमेंट भी पॉइंट वाइज होती है याद रहेगी बात कह रहे सर इसमें डिसीजन होता है और इसमें डिसीजन की रीजनिंग होती है होता है ना सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये क्या रीजनिंग तो है आपको याद है ना मैंने बताया था यार रेशियो डेसिडेंटी सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर याद आ रहा है रेशियो डेसिडेंटी व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड डिसीजन डिसीजन मेकिंग क्यों हो रही है याद आ रहा है तो उसी को तो रीजनिंग बोलते हैं आया ना हर जज की जजमेंट का कोई ना कोई रीजन होता है राइट क्लियर है तो उसमें कंसाइज होगी पॉइंट वाइज होगी डिसीजन होगा और रीजनिंग होगी और सबसे बड़ी बात जजमेंट इज इज गिवन गिवन ऑन इट अ स्टेटमेंट द बेसिस ऑफ डिक्री डिक्री और ऑर्डर एम आई क्लियर क्लियर जवाब दो clear है अब देखो होल्डर हमने पढ़ लिया था जीतने वाला जजमेंट लेटर भी पढ़ लिया अब देखो पहले ऑर्डर में क्या कह रहा है देखो ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ो डिसीजन ऑफ कोर्ट अदर देन डिक्री ये बात समझ आ रही है जो कोर्ट का डिसीजन है और वो डिक्री नहीं है तो वो क्या माना जाएगा ऑर्डर और डिक्री में क्या कह रहा है देखो फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका कॉन्क्लूसिवली प्रीलिमिनरी एंड फाइनल एक्सप्रेशन है क्या कॉन्क्लूसिव मतलब फुल एंड फाइनल हाँ या ना? अच्छा एक चीज बताओ सुनिएगा इधर एक चीज समझ आ रही है जब कोर्ट कुछ कर, कह रहा है वो डिक्री है कोर्ट कुछ करने के लिए कह रहा है वो ऑर्डर है ये बात समझ आ रही है हाँ या ना पहले मेरी बात सुनना आपको पता है कभी कभी क्या होता है कि के केस चल रहा है अब मान लो हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स केस चल रहा है डाइवोर्स केस भी सिविल मैटर है क्रिमिनल नहीं है राइट अगर हस्बैंड ने कभी हाथ नहीं उठाया वाइफ ने कभी गाली नहीं दी तो ये सिविल मैटर है नॉर्मल ठीक है नो डोमेस्टिक वायलेंस ठीक है मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं माई पॉइंट इज के अब हमें लगता है कि यार एक केस हो रहा है हस्बैंड और वाइफ के डाइवोर्स का हमें लगता है कि एक ही मैटर है तलाक का भाई साहब वो एक मैटर नहीं है उसमें बड़े सारे मैटर्स होते हैं पहला मैटर क्या आता है पहला मैटर आता है कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट करेगा या नहीं करेगा चलो कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया तो डाइवोर्स तो खत्म हो गया नहीं दूसरा मैटर होता है बेटा किसके पास रहेगा आया ना फिर तीसरा होता है जी बेटा जिसके पास रहेगा मान लो बेटा वाइफ के पास रहेगा या हस्बैंड के पास रहेगा मान लो मदर के पास रहेगा तो फिर एलुमनी हस्बैंड कितना देगा हर महीने हस्बैंड कितना पैसा देगा अगर बेटा हस्बैंड के पास रहेगा कोर्ट बोलता है तो वाइफ को कम पैसा मिलेगा और अगर वाइफ के पास रहेगा तो बेटे की देखरेख का भी मिलेगा ज्यादा पैसा मिलेगा यह yes सौ no? तो आप बताओ यहाँ पर ये एक मैटर हुआ है बहुत सारे हो पहला डायवोर्स का दूसरा बच्चे के कस्टडी का और तीसरा एल्यूमनी का फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट तो कहता है क्या आप बताओ कोर्ट सब पे एक ही साथ फैसला देता है या एक एक करके चीजें चलती रहती है आगे एक एक पहला आ गया जी हाँ डायवोर्स आपका कन्फर्म है इसको बोलेंगे प्रीलिमिनरी डिग्री क्या बोलेंगे री डिग्री जब ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स आती है कोई अभी केस चल रहा है और बीच बीच में डिग्री आ रही है उसको बोलेंगे और जब फाइनल सब कुछ हो गया लास्ट में जो डिग्री ये बात समझ आ रही है ये ऑल नो इसी तरीके से ऑर्डर भी होता है ऑर्डर भी बीच बीच में आते हैं और फाइनल आते हैं जो बीच में आता उस है उसको बोलता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर यही वर्ड याद रखना आप लोगों ने तो इसका मतलब इन शॉर्ट डिग्री कैन बी प्रीलिमिनरी एंड फाइनल एंड ऑर्डर कैन बी इंटरलोकेटरी और फाइनल याद रहेगी बात यस और नो yes no? क्या हमें ये पांचों की पांचों बातें क्लियर हो गई पक्का याद रहेगा जजमेंट क्या है डिग्री क्या है डिग्री होल्डर क्या है और जजमेंट डेटर क्या है और ऑर्डर क्या है डन टू थ्री नाइन टेन फोर्टीन ये याद रखना है आप लोगों ने सेक्शन टू क्लॉज टू थ्री नाइन टेन फोर्टीन टू और थ्री एक साथ है डिग्री ऊपर डिग्री होल्डर नीचे

ये बताओ कि आप जितने भी लोगों से पढ़ते हो वो ऑथर्स हैं या टीचर्स हैं टीचर्स हैं क्लियर है, है बात वो क्या करते हैं किसी की भी किताब लेके पढ़ा देते हैं राइट अमित वोरा रहा कौन है टीचर कम ऑथर ये बात समझ आती है अब मेरी किताब में बहुत सालों से किताबें लिख रहा हूं अब मेरी बुक को किसी बंदे ने कॉपी किया हुआ क्या था एक्चुअली में सीन क्या हुआ था किसी टीचर ने मेरी क्लास के अंदर कोई बच्चा भेजा उस बच्चे को भेज के छह महीने तक बोला अमित सर जो भी पढ़ा रहे हैं पूरा स्टूडेंट बन और पूरा रिकॉर्ड कर पूरा वो लेक्चर रिकॉर्ड करके गया बुक मेरी बाहर से मिलती थी तो उन्होंने क्या करा कि वो बुक में चार्ट से सारे के सारे चार्ट एक बंदे को बिठा के टाइप करवाए और मैं जो पढ़ाता हूँ आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग्स भी उनके पास आ गई उन्होंने क्या करा सामने कैमरा लगाया अपने कमरे में चार महीने में सारी रिकॉर्डिंग करी पूरे इंडिया में भेज दी मुझे लॉस हुआ नाउ माय पॉइंट इज एक एक करके बात करते हैं पहली चीज मैं कौन हूं प्लेन्टेफ मैं उनके अगेंस्ट कहां पर गया कोर्ट में सुनना मैंने कोर्ट में क्या फाइल करी प्लेन जब मैंने कोर्ट में प्लेन फाइल करी तो कोर्ट क्या बोलता है कोर्ट जिसके अगेंस्ट प्लेन फाइल हुई है मतलब डिफेंडेंट उसको भेजेगा ना कॉपी जी ऐसे ऐसे आपके अगेंस्ट एक कोर्ट में प्लेट आई है यस और नो जवाब दो मतलब मैंने अपने वकील को बोला कि मेरे लिए आप केस फाइल करो वकील ने कोर्ट में केस फाइल किया कोर्ट में केस फाइल करने की फीस होती है याद रखिएगा ये बात क्लियर है अलग अलग मैटर्स में अलग अलग फीस होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैंने जो अभी केस फाइल किए हुए हैं दो केसेज हैं उसमें मैंने जो कॉम्पनसेशन क्लेम किया हुआ वो क्लेम किया हुआ है जो genuine, और भी केसेस है मैं एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं उसमें, उसमें लाख की one fee, one कितनी हो गई एक लाख सत्तर हजार रुपए क्लियर है एक लाख सत्तर हजार रुपए मैंने कोर्ट फीस जमा कराई मतलब मैंने कोर्ट में प्लेन फाइल करी मेरे वकील ने मेरा वकील मतलब मेरा काउंसिल कौन काउंसिल काउंसिल ने क्या किया? कोर्ट में, पेटीशन हमने. पेटीशन लगाने के हमने कोर्ट में जमा जाएगी और फिर वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे तो हमने प्लेट फाइल करी सामने वाली पार्टी क्या करेगी रिप्लाई फाइल करेगी जिसको रिटर्न स्टेटमेंट बोला जाता है क्लियर है फिर उनका रिप्लाई हमें प्रोवाइड किया जाएगा फिर हम उस रिप्लाई का अपना रिप्लाई फाइल करेंगे हम उस रिप्लाई का अपना रिप्लाई फाइल करेंगे तो जो हम अपना दोबारा रिप्लाई फाइल करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग रेप्लीकाशन बोलते हैं ये बात समझ आ रही है अब सुनना जो मैं कह रहा हूं इधर ध्यान से मैंने क्या किया मैंने सामने वाले को नोटिस भेजा कि ऐसे ऐसे अमित भोरा की बुक के चार्ट सारे जो आपने अपनी वीडियो लेक्चर्स में दे रखे हैं आपने अमित वोरा के साथ गलत किया ठीक है जी मेरे वकील ने बोला उसका रिप्लाई आया मैलॉ और ये तो लॉ है लॉ में क्या चार्ट क्या थ्योरी और ये वैसे भी ये जो थ्योरी है ये तो भारत की बुक से लिया है अमित वोरा की बुक से नहीं ली ये तो 2008 में भारत की बुक आती थी एंगल को घुमाने की क्या लिखा कि माइलोर ये जो चार्ट की आप बात कर रहे हो इनकी थ्योरी कहा की है? भारत पब्लिकेशन की बुक दो में आती थी उसकी है ठीक है जी रिप्लाई आया अब मैंने क्या करा उस रिप्लाई का रिप्लाई देना है पहले हमने क्या फाइल किया हमारे चार्ट चोरी किए वहां से उसका रिप्लाई क्या आया चार्ल्स भारत की थी ठीक है जी अब भारत जो है मैं उनके साथ पिछले हजार सालों से काम कर रहा हूं। मैं दो से भारत से काम कर रहा हूं और जो दो में भारत की बुक आई थी उसका भी ऑथर में ही था समझ आ रही है बात उस बंदे ने क्या किया बोला ये तो 2008 में भारत की बुक से मैंने लिया था भाई उस टाइम पे भी ऑथर में ही था वो बात हो रहा है मैं छोटे लेवल पे था उस टाइम पे तो जो छोटा बंदा होता है उसका नाम किताब में डालते ही नहीं तो भारत से मैंने एक अंडरटेकिंग ली जिसमें भारत पब्लिकेशन ने लिख के दिया कि अमित वोरा इज एसोसिएटेड विद अस फॉर लास्ट ट्वेल्व इयर्स और यस ये जो बुक है उसका कंटेंट सारा अमित वोरा का ही है तो क्या उसके बेसिस पे मैंने अपना रिप्लाई फाइल किया कि भाई अब तू तु, तूने कहा कि तूने मेरी बुक से नहीं भारत की बुक से कॉपी किया और भारत भी कह रहा है कि वो बुक मेरी है कंटेंट मेरा तो इनडायरेक्टली फंस गया ना बंदा तो कहने का मतलब क्या हुआ पहले मैंने प्लेट फाइल करी फिर आपने रिप्लाई फाइल किया फिर मैंने उसका रेप्लीकेशन फाइल कर दिया क्लियर है वार? अब क्या होगा

रिटर्न स्टेटमेंट अब फाइनली कोर्ट कहारिंग का, का दिन आ जाओ मेरी बात सुनना हेयरिंग वाले दिन जिस दिन एविडेंसेस दिखाने हैं दिखानेट होने हैं उस दिन मेरा वकील नहीं जा रहा मतलब नहीं जा रहा मेरी बात को सुनेगा ध्यान से अगर केस करने वाला नहीं आता तो कोर्ट को लगता है सामने वाला बोलता है बताओ मालिक मेरे को भी बुला लिया आपको भी बिठा दिया खुद आया नहीं जब केस करने वाला नहीं आता तो कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देता है क्लियर है और जब मैंने केस किया आप ही नहीं आए मैं बोलूंगा बोलो मैलॉर्ड एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहा चीटिंग कर रहा है ऊपर से आप भी बुला रहे हो तो भी नहीं आ रहा बताओ डरता ही नहीं है बंदा कोर्ट बोलेगा अमित जी आप जीत गए दैट इज एक्स 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 जजमेंट तो X party, X party मतलब जजमेंट गिवन इन फेवर ऑफ प्लेटिव इन एबसेंस ऑफ डिफेंडेंट एक्स मतलब जजमेंट गिवन इन इन फेवर ऑफ ऑफ डिफेंडेंट समझ आ रही है बात तो मैं क्या कह रहा हूं देखिए प्लेटिव होगा डिफेंडेंट होगा कोर्ट होगी राइट

जरूरी है अगर पार्टी अपील नहीं होती है तो केस करने वाला अपीयर नहीं हो रहा तो केस डिसमिस हो जाएगा सामने वाला अपील नहीं हो रहा तो एक्स जजमेंट हो जाएगी एक्स मतलब या एक्स जजमेंट मतलब अवार्ड मतलब जजमेंट गिवन इन फेवर ऑफ पटिव इन एबसेंस ऑफ प्रेजेंटेशन बाय डिफेंडेंट डिफेंडेंट सामने से खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा इसलिए जो जजमेंट है वो मेरे फेवर में आ गई याद रहेगा अच्छा एक चीज याद रखना सिविल मैटर में पार्टीज कभी भी नहीं जाती पार्टीज का जाना जरूरी नहीं होता सिविल मैटर्स में वकील ही जाते हैं मेरा काउंसिल आपका काउंसिल आपस में वो लड़ते रहेंगे सोच के देखो ना दो भाई भाइया एक रहता है अमेरिका एक रहता है कैनेडा और प्रॉपर्टी है दोनों की इंडिया में जिसको लेकर झगड़ा हो रहा है अब वो दोनों बार बार तरीकों पर इंडिया थोड़ी आएंगे समझ आ रही है ये बात ये नो तो सिविल मैटर में काउंसिल ही आपस में लड़ते रहते हैं हाँ क्रिमिनल मैटर होता है तो आपका जाना जरूरी होता है क्लियर है याद रहेगा कोई दिक्कत इसके अंदर अब देखिए यहां पर ना अब ये दो डॉक्टर आती है सेक्शन टेन एंड सेक्शन इलेवन यार ये दोनों डॉक्टर बड़ी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सेक्शन नंबर टेन डॉक्टर ऑफ रेस्ट सब जुडाइस सेक्शन इलेवन डॉक्टर ऑफ रेस्ट जुडी काटा रेस्ट सब जुडाइस रेस्ट जुडी काटा ये दोनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले मेरी बात को सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं सेक्शन टेन स्टे ऑफ सूट डॉक्टर ऑफ रेस्ट सब जुडाइस स्टे ऑफ सूट ये क्या कह रहा है सुनिए बेटा मेरी बात को सुनिएगा इधर ऑल ऑफ यू मैंने बोला कि माय लॉर्ड मैं लॉ का टीचर हूं और ये कंपनी लॉ वगैरह मैं पांच लॉ पढ़ाता हूं सीएस के कंपनी लॉ सेटिंग अप जीआईजीएल कैपिटल मार्केट ईबीसीएल ये सब पढ़ाता हूं माय लॉर्ड ये मेरी क्रिएटिविटी है सामने वाले ने इसको चीटिंग किया क्लियर है अब मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं मैंने क्या किया है? मैंने एक केस फाइल किया जिसमें मैंने लिखा कंपनी लॉ और ईबीसीएल की चोरी करी क्योंकि ओल्ड कोर्स में वो मॉड्यूल वन में होते थे और दूसरी प्लेट में मैंने लिखा आई और सिक्योरिटी लॉ की चोरी करी वो मैंने दूसरी प्लेट में लिखा क्या मैंने उस बंदे में दो केसेस किए आया ना दो केसेस किए एक किया कंपनी लॉ और लॉसीएल का दूसरा किया आई और सिक्योरिटी लॉ का ठीक है नाउ पॉइंट इज क्या दोनों पार्टी सेम है दोनों केसेस में पार्टी सेम है क्या दोनों केसेज में पार्टी सेम है दोनों केसेज में इंफ्रिंजमेंट हुई है नेचर ऑफ ऑफेंस भी सेम है लेकिन क्या ऑफेंस एक है या अलग अलग है आपने मॉड्यूल वन में मेरी कंटेंट को चोरी किया देखो एक एक चीज समझो एक बंदा टैक्स पढ़ाता है आपने उसकी चोरी करी। कोई एक ही बंदे की चार चीजें चुरा ली तो क्या ये चार अलग अलग ऑफेंसेस नहीं हुए या चार अलग अलग मैटर्स नहीं हुए चारों पे अलग अलग केस बनेगा स्टे ऑफ सूट पता क्या बोलता है एक मैटर में दो केसेस फाइल नहीं होंगे एक मैटर में दो केसेस फाइल

वो के, बंदा केस कहां फाइल करता है द्वारका कोर्ट में जब द्वारका कोर्ट में आज वो केस फाइल करता है कोर्ट वो प्लेन फाइल करेगा कोर्ट प्लेन की कॉपी मुझे देगा हाँ या ना मैं उसमें जज साहब को जवाब दूंगा माइलॉर्ड इस मैटर पे ऑलरेडी केस चल रहा है यस और नो और जब इस मैटर पे ऑलरेडी केस चल रहा है तो उसी मैटर पे दूसरी जगह केस चलाने का मतलब ही नहीं बनता यस और नो तो आप बताओ जो पहले वाला केस था वो रुक जाएगा या जो बाद में फाइल हुआ वो रुक जाएगा जो बाद में फाइल हुआ वो केस को रोक दिया जाएगा पुराने वाले केस को कंटिन्यू किया जाएगा लॉजिक ठीक है देखो क्या कह रहे हैं दो स्यूट से, है सेम पार्टीज के बीच में सेकेंड स्यूट इज डायरेक्ट एंड सब्सटैंशियल टू फर्स्ट इशू से रिलेटेड है सच सूट इज स्टिल पेंडिंग अभी पहन बनाने वाला चल रहा है इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकेंड सूट है शेल बी स्टेड सेकेंड सूट शेल बी स्टेड जो सेकेंड सूट है उस पर क्या हो जाएगा उस पर मिल जाएगा ये बात समझ आती है तो इसका मतलब ऑफ क्या बोलती है एक मैटर पे दोनों पार्टीज दो देखो इधर पार्टीज भी सेम होनी चाहिए मैटर भी सेम होना चाहिए मेरी बात सुनिएगा इधर बेटा ध्यान से सामने वाले ने मेरा चार सब्जेक्ट्स का कंटेंट चोरी किया ठीक है अब मैं उस पर एक और केस करने वाला हूं कौन सा सीए की किताब में भी मेरी सीए का मैटर भी उसने चोरी किया हुआ है

तो इसका मतलब अलग अलग मैटर में आप जितने मर्जी केसेस फाइल करो लेकिन सेम के वही केस, में चल रहा, है। वही केस में चले। रहा है ये बात और अल्टीमेटली दोनों दोनों केसेस चल रहे हैं अगर मान लो तीस हजारी ने मेरे फेवर में दे दिया द्वारका ने सामने वाले के फेवर में दे दिया तो फिर जजमेंट अल्टीमेटली मानी कौन सी जाएगी ये तो कॉन्सेंटेशन ऑफ जजमेंट्स हो गया हाँ या ना तो इसलिए कहता है कि भाई अगर एक केस पे एक मैटर चल रहा है तो उस केस पे दूसरे कोर्ट में दूसरा मैटर दूसरा केस नहीं चलेगा सेम मैटर पे, ठीक है? भी सेम है मैटर भी सेम है तो सेकंड कोर्ट जो है वो केस को नहीं करेगी. Yes no? हाँ या ना एम आई क्लियर विद यहां पर देखो विंग्स फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल का न, न, केस दिया हुआ इसमें क्या हुआ था एक दवाई लॉन्च करी थी इन्होंने एक मेडिसिन लॉन्च करी थी सामने वाली कंपनी ने भी सेम नाम से

अब यहां पर बात आती है डॉक्टर 2019 तक केस जीत जाता हूँ 2019 दिसंबर तक आज मई चल रहा है मैं दिसंबर तक केस जीत जाता हूँ ठीक है जब मैं केस जीत गया उसके बाद मान लो जनवरी में मैं सीए और सीएमए वाली फाइल्स के लिए केस करता हूँ क्या उसके अंदर मैं ये वाले मैटर डाल सकता हूं क्या ये वाले मैटर के माईलॉर्ड इसके अंदर भी ऐसे ऐसे इससे मेरी चीटिंग करी थी इसका भी केस दोबारा करो क्या दोबारा कर सकता हूं जजमेंट रेफर कर सकता हूं जजमेंट समझ आ रही है ये तो कहने का मतलब क्या हुआ या फॉर एग्जाम्पल मान लो दिसंबर में मैं केस जीत गया चारो लॉ के लिए जो जनवरी में सामने वाले बंदे ने मेरे पे केस कर दिया सीए और सीएमए के लिए इससे पहले मैं करता उसने कर दिया हो सकता है ना ऐसा कर दिया और उसमें उसने क्या करा छह मैटर्स लिख दिए चार सीएस वाले एक सीए वाला एक सीएमए वाला पॉइंट समझो जो मैं कह रहा हूं दिसंबर में मैं केस जीत गया दिसंबर दो में मैं केस

मतलब इधर इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि नई चीज को लेके आपका और मेरा क्लेश हुआ झगड़ा हुआ उस नई चीज में आप दोबारा से वो पुरानी वाली चीज को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आप एक चीज सोचो ना पुराने वाले डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं अब उसे दोबारा अनसेटल नहीं करोगे नए डिस्प्यूट के अंदर क्लियर है समझ आ गई कहानी कोई दिक्कत इसके अंदर तो इसका मतलब स्टे ऑफ सूट क्या बोलता है एक मैटर पर दो केस सेक्शन टेन क्या बोलता है एक मैटर पर दो केसेस नहीं चलेंगे अगर पहला वाला चल रहा है और सही चल रहा है तो दूसरे वाले को रोक दिया जाएगा सेक्शन इलेवन क्या बोलता है एक मैटर में अगर जजमेंट आ गई है तो उस मैटर में दूसरी जजमेंट एक बार जजमेंट आ गई है तो दूसरे मैटर पर उस मैटर को दोबारा रिओपन नहीं करवाया जाएगा क्लियर है चले आगे हो गया जी कोई दिक्कत इसमें अब देखो यहां पे कह रहा है कॉज ऑफ एक्शन इसकी डेफिनेशन आती है आपको मैंने बताया तो था कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कॉज ऑफ एक्शन व्हाट इज द कॉज दैट यू आर टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टी आप कोर्ट के दरवाजे पे क्यों खटखटा रहे हो या हाँ ना सुनिए कहता है पहली बात इसमें हमें सारे एसेंशियल फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं कि मायला और ये मेरा राइट है और सामने वाले ने इसको इनफ्रिंज किया है यस और नो राइट क्लियर है है जी आगे कह रहा है जो भी आप लिख रहे हो वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली रिलेटेड होना चाहिए टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इनडायरेक्ट अगर इधर देखिए अगर इनडायरेक्टली कुछ हुआ है तो कहता है उसमें आपके जीतने के चांसेस बड़े वेग हो जाते हैं राइट right? आपको दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्टली क्या इंपैक्ट

और मैं जो पढ़ाता हूँ ग्यारह हजार रुपये की फीस लेता हूँ सामने वाला वो तीन थार, चार हजार में बेच देता है बच्चा क्यों आएगा तो अल्टीमेटली लॉस हुआ कि नहीं हुआ मेरा आया ना और मैं ऑनलाइन बेचता हूँ लेक्चर मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई बच्चों की कई बच्चों को होता क्या कॉल करते हैं बच्चे स्टाफ डील करता है कॉल करता है मैं चोर नहीं होती स्टाफ दोबारा कॉल बैक करता है बच्चा पता क्या बोलता है मैंने लेक्चर इस टीचर के ले लिए किताब मैंने अमित सर की ले लिया कंटेंट तो दोनों में सेम ही है समझ आ रही है बात बच्चा कहता है कि यार अमित सर का लेक्चर नौ हजार का मिल रहा था उस बंदे का तीन हजार का मिल रहा था हमने ले लिया तो क्या इन सारी चीजों से मुझे मॉनिटरी लॉस नहीं हो रहा यस और नो तो इसका मतलब क्या है ये जो मॉनिटरी लॉस मुझे हो रहा है मैं इस सबकी भरपाई कराऊंगा ये जो तो मॉनिटरी लॉस हो रहा है यही तो कॉज ऑफ एक्शन है मेरा हाँ या ना भाई डायरेक्ट है सिंपल सी बात है माइलॉट मेरा इसने इसनेजमेंट किया जिसकी वजह से मेरा धंधा बंद हो गया यस और नो आपने मेरे से लॉस टॉर्स पढ़ा था टॉर्ट्स के अंदर आपने पढ़ा था अगर आप अपना धंधा कर रहे हो और आप मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हो और लेकिन आप मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं कर रहे तो वो टॉट नहीं है याद आ रहा है आपको लेकिन अगर आपने मेरा कोई राइट तोड़ा तो वो टॉट माना जाएगा और आपने सारा मेरा कंटेंट चोरी किया तो ये क्या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है यस और नो हाँ या ना याद रहेगा तो कॉज ऑफ एक्शन जो होता है वो उसमें सारे एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं सामने वाले ने आपके राइट को कैसे वायलेट किया और वो सारे डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल होने चाहिए क्लियर है अगर इनडायरेक्ट है तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्लियर है जी अब देखिए कहता है प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट बच्चे ध्यान से सुनिएगा सेक्शन पंद्रह से बीस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइनटीन एंड ट्वेंटी नाइनटीन एंड ट्वेंटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है जी बच्चे मेरी बात को सुनिएगा इधर ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू देखिए मैं क्या बोल रहा हूं सबसे पहली चीज अब ये बताओ कि आपका और मेरा झगड़ा हो रहा है मान लो दो हजार रूपए को लेकर रुपए को लेके हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाए या लोएस्ट लेवल की जो कोर्ट है जाएंगे सर सबसे पहले जो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होती है वहां आपका केस रेफर किया जाता है डन बाकी डिपेंड करता है के अमाउंट पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मान लो आपने सामने वाले ने मेरा इन्फ्रिंचमेंट किया था जब इन्फ्रेंचमेंट किया तो मैंने कहा मैंने दो केसेस फाइल कर रखे हैं एक मॉड्यूल वन का एक मॉड्यूल टू का यही बताया मैंने आपको दोनों का अमाउंट कितना है? है।, है एक करोड़ सत्तर लाख सेवेंटी थ्री लाख रूपीज के आसपास अमाउंट है। दो केसेस एक 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 का है 95 का 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 है 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 इधर अमाउंट और 78 आप करोगे तो वन सेवेंटी थ्री आएगा क्लियर है अब नाइनटी फाइव लाख है और सेवन एट लाख है अगर ये अमाउंट दोनों में एक करोड़ टच तो नहीं किया अगर एक करोड़ टच कर जाता तो केस हाईकोर्ट में फाइल होता याद रखना अगर रिकवरी का जो भी केस है आपका इंफ्रेंचमेंट का केस है अगर उसमें अमाउंट वन करोड़ एंड प्लस है तो केस सीधा कहा जाएगा हाई कोर्ट में याद रहेगा और अगर एक करोड़ से कम है तो लोअर कोर्ट में जैसे हमारा तीस हजार ही क्लियर है ये बात याद रहेगा जी सबको सेशन कोर्ट्स के अंदर चलता है मेरी बात सुनिएगा पहला सेक्शन समझ आ गया फिफ्टीन कि के केस आपका लोएस्ट रेट पे जाता है बाकी डिपेंड करता है अपॉन दी वैल्यू यार यही चीज तो आपने कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ी है बचपन में कि याद आ रहा है कुछ आपको कि भैया इतनी लिमिट तक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इससे ज्यादा है तो स्टेट कोर्ट में इससे ज्यादा है तो नेशनल अप टू ट्वेंटी लाख डिस्ट्रिक्ट ट्वेंटी लाख टू वन करोड़ स्टेट और स्ट, मोर देन वन करोड़ नेशनल कंज्यूमर कोर्ट याद आ रहा है सब कुछ सुना कभी बचपन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिजनेस स्टडीज में पार्ट बी में पढ़ाया जाता था छह नंबर का आता था या ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स सुना हुआ है हम लोगों ने राइट आगे देखिए कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है यार एक चीज बताओ प्रॉपर्टी है हमारी दिल्ली पटेल नगर में झगड़ा हो रहा है दोनों भाइयों का कि मेरी है मेरी है क्या झगड़ा अमृतसर की कोर्ट में होगा या जहां पर वो प्रॉपर्टी है उसकी जो कोर्ट है वहां होगा जहां पर वो प्रॉपर्टी है उस वहां पर होगा yes no? यस और नो ना और सत्रह और अठारह पता क्या बोलते हैं सुनिए सेवनटीन एटीन पता क्या बोलते हैं बेटा इधर देखिए एक प्रॉपर्टी है अब हमें पता ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी किस किस में आ रही है ये रोहिणी कोर्ट के अंदर आ रही है द्वारका कोर्ट के अंदर आ रही है वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का झगड़ा कहा होना चाहिए जहां पे कोर्ट है जहां पे प्रॉपर्टी है उसके जो जो प्रॉपर्टी है वो किस कोर्ट के दायरे में आती है क्योंकि कोर्ट पुलिस स्टेशन इन सबकी अपनी टेरिटोरियल जो होती है क्या होती है टेरिटोरियल जो तो हमारी प्रॉपर्टी जो हमारा घर है जिसको लेकर झगड़ा हो रहा है वो किस कोर्ट के दायरे में आ रहा है ठीक है नॉइंटेड सुनिएगा हम श्योर ही नहीं है किस कोर्ट में आ रहा है इस रोहिणी में आ रहा है या द्वारका में आ रहा है या हम श्योर ही नहीं है पटेल नगर मतलब पटेल नगर में प्रॉपर्टी है हम श्योर नहीं है तीस हजारी में आ रहा है या पटियाला हाउस कोर्ट में आ रहा है तो कहता है फिर क्या करो दोनों में से किसी भी एक में फाइल कर दो एक में जिसमें आप फाइल करोगे अगर उसमें वैलिड है तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी नहीं है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी तो आप समझ जाओगे अच्छा यहां नहीं वहां जाना है यस और नो यही तो ऑप्शन है देखिए क्या कह रहा है कह रहा है, कह रहा है जी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट के अंदर आ रही है तो आप किसी भी कोर्ट में कर दो या आपको अनसर्टेनिटी आपको पता ही नहीं है किस कोर्ट में जाना है तो भी कहता है आप किसी भी कोर्ट में फाइल कर दो यस और नो आया ना अगर उस कोर्ट के बस की होगी तो वो केस एक्सेप्ट करेगी नहीं होगी तो वो मना कर देगी इसका मतलब आपको दूसरे कोर्ट में जाना भाई यही तो करोगे आप आपने दो कमरे एक, एक कमरे में जाना। आपको नहीं पता बंदा है एक में से आप शॉल नहीं हो किसके पास जाना है एक कोर्ट के अंदर आप नॉक करो अगर वहां पर कोर्ट को सही है तो लेगा गलत है तो कोर्ट आपकी पिटिशन को रिजेक्ट करेगा फिर आप दूसरी जगह पिटिशन फाइल कर देना राइट क्लियर है चले आगे अब देखिए सेक्शन नंबर 19 एंड 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर वो 10 और 11 भी बड़े इंपॉर्टेंट थे ठीक है क्लियर है जी अब देखो पहले मेरी बात सुनिएगा बेटा इधर रिगार्डिंग फॉर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है क्लियर है जी बात मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो कहता है जी बताओ मैं कहा केस करूं इधर देखिए बेटा जहां पर गलत हुआ है वेयर रॉन्ग इज कमिटेड राइट या जहां पर गलत करने वाला रहता है पॉइंट समझ आ रहा है जहां गलत हुआ या जहां पर गलत करने वाला रहता है क्लियर है ये पेपर आपकी क्वेश्चन आपकी केस स्टडी में कई बार आता है पेपर में कैसा आता है सुनिए इधर ये क्वेश्चन कैसे आता है ए है दिल्ली से बी है मुंबई से के साथ कुछ रॉन्ग हो गया वाराणसी में बताओ ए जो है वो कौन सी कोर्ट में सी कर सकता है ए है दिल्ली का रहने वाला बी है मुंबई का रहने वाला और बी ने ए के साथ गलत किया जब वो दोनों वाराणसी में मिले तो बताओ केस फाइल होगा ए बी पे केस कहां फाइल करेगा भाई ए दिल्ली में रहता है बी मुंबई में रहता है और ए के साथ गलत हुआ वाराणसी में तो ए केस फाइल करना चाहता है कहां करेगा जहां गलत हुआ या जहां गलत करने वाला रहता है यस और नो गलत कहां हुआ वाराणसी में रहने वाला कहां रहता है मुंबई तो या मुंबई या वाराणसी में आप केस फाइल कर सकते हो क्लियर है ये बात कभी भी मुंबई में मत करना मुंबई में करोगे तो उल्टा आप फंस जाओगे क्योंकि उसके घर के पास होगा उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा सामने वाले को पेन कब होती है सामने वाले को पेन तब होती है वो जल्दी हारता है जब उसको तकलीफ हो आने जाने की समझ रहे हो मेरी बात यस yes और नो no? वाराणसी करो आपको भी ट्रैवल करना है उसे भी ट्रैवल करना है हाँ ना दिल्ली से वाराणसी वो मुंबई से वाराणसी आएगा अगर आपने मुंबई में केस फाइल कर दिया वो तो अपने घर पे बैठा हुआ है केस होगा वो सुबह चला जाएगा हाँ या ना उल्टा आपको तीन दिन खराब करने पड़ेंगे आने जाने में मैं आपको एक चीज बताता हूं सुनिएगा बड़े ध्यान से मैंने किसी से पैसे लेने थे उसने मुझे ब्लैंक चेक साइन करके दिए और एक दोस्त था मेरा मैं एक तो ना मैंने ना अब आजकल ना दोस्ती विश्वास पैसे देना छोड़ दिया लोगों को बड़े सारे लोगों ने चीटिंग कर ली ठीक है एक फ्रेंड था उसने कहा हमें बहन की शादी में पांच लाख रुपए चाहिए कम पड़ रहे हैं मैं कल ले लें ब्लैंक चेक उसने साइन करके दे दिया मैंने कहा नहीं चाहिए रख ले नहीं नहीं यार तू फिर भी रख ले एक भरोसा होता है ठीक है भाई एक ट्रस्ट होता है कहता है एक नींद आ जाएगी रात को देखो उसने पाँच लाख रुपए के मुझे चेक दे दिए और मैंने उसको पाँच लाख रुपए दे दिए कोई इंटरेस्ट नहीं कुछ नहीं फ्रेंडली लोन अब वो पैसे वापस ही ना दे यार समझ रहे हो बार बार टाली दे टाली दे टाली दे पैसे वापस ना दे फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया उसके बाद एक बार उसके घर गया तो भी नहीं मिला मैं बड़ा परेशान बाद में कहता मैं नहीं दे रहा जो करना कर ले नहीं है पैसे मेरे पास मैंने कहा यार तेरे पास नहीं है मैंने बड़ी मेहनत से कमाया पांच लाख स्मॉल अमाउंट मैं तेरे चेक पड़े हैं मेरे पास फिर वो चेक मैं डाल दूंगा डाल दे देख लूंगा जब कोर्ट में तरीके भुगतूंगा तो मैंने कहा ठीक है मेरा एक स्टूडेंट है प्रकाश सुनना मेरा एक स्टूडेंट है प्रकाश जो प्रकाश है वो एडवोकेट है मेरा ही स्टूडेंट है सी एस पढ़ा था मेरे से पढ़ा था लॉ में भी मुझसे पढ़ा था वो एडवोकेट है वो रहता है पटना मैंने प्रकाश को बोला मैंने कहा प्रकाश ये पांच लाख रुपए का चेक है टेंशन ना लो लगा दूंगा उसकी मैंने कहा कैसे कहता है इसको मैं अपने अकाउंट में डालता हूँ ब्लैंक चेक था प्रकाश ने क्या करा अपने नाम से पटना में डाल दिया क्लियर है बात नाउ द पॉइंट इज डिसऑनर हुआ पटना में हालांकि वो क्रिमिनल मैटर है फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ डिसऑनर ऑनर कहा हुआ पटना में गलत कहा हुआ पटना में और करने वाला कहा रहता है दिल्ली ठीक है जी अब या तो केस दिल्ली में होगा या पटना मेरे वकील ने केस का फाइल कर दिया पटना में वहां से नोटिस आया यहां से पार्टी को भाग के जाना है समझ रहे हो बात अब भाई साहब पटना बाय ट्रेन जाओगे तो आने जाने में तीन दिन लगेंगे आपको बाय प्लेन जाओगे तो एक बार की टिकट आपकी छह सात हजार रुपए की हो जाती है समझ रहे हो बात अब बताओ यहां पे उस बंदे को तकलीफ हुई कि नहीं हुई भाई साहब चार हेयरिंग में तकलीफ हुई और हमने क्या करा वहां पर सेटिंग थी वहां पर जस्ट साहब को बोला जस्ट साहब आज डेट है हाँ दस दिन बाद की फिर दे दो तो जस्ट साहब ने क्या किया दस दिन बाद फिर डेट दे दी अब आप ना वापस जाने लायक ना आने लायक समझ रहे हो ऐसे करके उसको चार महीने परेशान किया बंदा हाथ जोड़ के पैसे भी दे गया इंटरेस्ट भी दे गया तो कहने का मतलब क्या ये सब माइंड गेम है आपको सीखना ये सारी चीजें किताबों में थोड़ी तो लिखी होती है ये तो आपको देखना है कि कैसे सामने वाले को आप ज्यादा तंग कर सकते हो कि वो बंदा अपने नी नीडाउन होकर घुटने टेक के, के सरेंडर कर दे सॉल्व नो हा या चले आगे देखिए क्या कह रहे तो कहां पर केस होगा या वाराणसी में होगा या मुंबई में होगा मतलब जहां गलत हुआ या जहां गलत करने वाला रहता है दन? अच्छा यही सेम बात जो है ये सेक्शन ट्वेंटी में लिखी है स का होगा जहां सामने वाला रहता है या जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ साइड नहीं अराइज सही कर लो इसको अराइज हुआ जहां कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ ए आर ओ यू एस डी भी लिख सकते हो अराउज अब कॉज ऑफ एक्शन या रोंग एक ही बात है राइट right? रॉन्ग के अंदर थोड़ा सा आपका क्रिमिनल मैटर आ जाता है और कॉज ऑफ एक्शन के अंदर सिविल मैटर आ जाता है हाँ या ना मेरी बात सुनना इधर ध्यान से क्या 19 20 दोनों एक ही बात नहीं कह रहे सिर्फ उन्नीस में फर्क क्या है जहां गलत हुआ या गलत करने वाला रहता है और बीस के अंदर का है जो कॉज ऑफ एक्शन है अब कॉज ऑफ एक्शन गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है जहां पर मेरे साथ जो मेरा रीजन रहा है मेरी बात सुनने का इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू जहां गलत करने वाला रहता है या जो कॉज ऑफ एक्शन है कॉज ऑफ एक्शन क्या है मेरा इन्फ्रिंजमेंट और गलत करने वाला भी कहां रहता है दिल्ली वो तो कुदरती बात है मैं भी दिल्ली रहता हूं जो कॉज ऑफ एक्शन है वो भी दिल्ली के अंदर है और जो इन्फ्रेंजर है वो भी दिल्ली के अंदर है तो हमारे केसेस इसलिए कहां फाइल होंगे दिल्ली के अंदर हाँ या ना अच्छा मेरी बात सुनना इसमें ऊपर वाले में तो ये वाराणसी वाला जैसे मैंने केस बोला ये आता है पेपर में सेक्शन ट्वेंटी में ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में आता है सुनना इधर ध्यान से एक कंपनी है उसकी हेड ऑफिस है रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में दिल्ली कोलकाता चेन्नई में ब्रांचेस है क्लियर है हेड ऑफिस है मुंबई रजिस्टर्ड ऑफिस का है मुंबई और ब्रांचेस कहा है दिल्ली कोलकाता चेन्नई दिल्ली वाली ब्रांच ने आपके साथ कुछ गलत किया हो सकता है ऐसा तो आप केस कहां फाइल करोगे कहता है जिस ब्रांच ने गलत किया या तो उसकी कोर्ट में या जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी कोर्ट में मतलब अगर दिल्ली ब्रांच ने गलत किया तो या दिल्ली की कोर्ट में या मुंबई की कोर्ट में समझ आ रही है बात एक ब्रांच ने गलत किया तो आप दूसरे ब्रांच वाली कोर्ट में केस नहीं कर सकते याद रहेगा क्या बोल रहा हूं देखिए क्या कह रहा है सच ब्रांच और हेड ऑफिस क्लियर है ना ये बात मतलब हेड ऑफिस है हमारा मुंबई के अंदर ब्रांच है हमारी दिल्ली कोलकाता चेन्नई के अंदर दिल्ली में हमारे साथ गलत हो गया तो हम केस फाइल करेंगे या दिल्ली या मुंबई चेन्नई में गलत हुआ फाइल करेंगे या मुंबई या चेन्नई कोलकाता में हुआ तो या मुंबई या कोलकाता क्लियर है ये बात पर ऐसा कभी नहीं होगा कि दिल्ली में गलत हुआ चल कोलकाता वाली ब्रांच पे कर ले ये नहीं हो सकता या दिल्ली में हुआ चेन्नई वाली ब्रांच पे कर ले ऐसा नहीं हो सकता याद रहेगा हमेशा केस कहाँ फाइल होगा जहां पे हमारे साथ गलत हुआ है उस ब्रांच वाली कोर्ट में या हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है, वो बली ब्रांच क्लियर है याद रहेगा चले आगे अब देखिएगा इधर ध्यान से अब यहां पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखिए सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ये क्या होता है सुनिएगा सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम सुनिए सेट ऑफ का मतलब क्या होता है मैंने आपके पैसे देने हैं आपने मेरे पैसे देने हैं यही होता है हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं सेट ऑफ ये बात समझ आती है भाई मैंने आपके एक लाख रुपए देने हैं आपने मेरे साठ हजार देने क्लियर है तो मतलब जो जो हैं तो है मैंने आप पे केस किया था। और मैं केस जीत भी गया और कोर्ट ने बोला कि आपको मुझे दस लाख रुपए देने क्लियर है आपने मुझे कितने देने दस लाख रुपए ये बात समझ आ रही है पक्का एम आई क्लियर कोर्ट ने बोला कि आप, ए ने बी पे केस किया बी हार गया कोर्ट ने बी को बोला कि आपको ए को दस लाख रुपए देने पड़ेंगे ठीक है अब बी ने ना ए पे कोई और किसी और कोर्ट में किसी और मैटर के लिए कितना अमाउंट लेना बी से दस लाख ये क्लियर है दूसरे मैटर में बी ने अभी लिया नहीं है लेना है बी ने ए पे केस कर दिया माइलॉर्ड मैंने इससे पंद्रह लाख लेना कोर्ट में जाता है माइलॉर्ड ये कह रहा है पंद्रह लाख लेना है लॉर्ड देखो से दस लाख के लिए तो मैं केस जीता हूं से। मतलब बैलेंस करके केस कितने के लिए चलेगा लाख लाख के के लिए नो आया समझ के गया ऊपर से भाई आपने मेरे पे का केस किया ऑलरेडी पहले एक दस लाख वाला केस मैं जीता हुआ हूं जो मैंने आपसे लेने हैं तो मतलब पेंडिंग अमाउंट कितना रह गया पांच लाख ही तो रह गया ये और नो जवाब दो क्लियर है कुलदीप जी तो जब ये पांच लाख के लिए केस चलेगा इसको हम क्या बोलेंगे सेट ऑफ क्लियर है एक चीज याद रखना सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ दोनों में फर्क क्या होता है पहले सुन लो इधर सेट ऑफ जो होता है इक्विटेबल सेट ऑफ जो होता है वो सेम ट्रांजेक्शन में होता है मैं क्या बोल रहा हूं सेम सेम में में मतलब सेम कॉन्ट्रैक्ट में सेट ऑफ जो है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है मेरी बात को सुनिएगा बेटा इधर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बच्चा आया और बच्चा आने के बाद कहता है कि अमित सर मैंने आपसे तीन लॉ पढ़ने हैं ठीक है थेके? हमने कहा जी तीनों लॉ की जो फीस है फर्स्ट मॉड्यूल के वो सत्ताईस हजार रुपए हमारी फीस जो आफ्टर डिस्काउंट है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज है आपने कहा ठीक है सर अब हमें नहीं पता सुनिएगा हमें नहीं पता कब आप में से आपके फादर आए और फादर साहब ने बोला मेरा बेटा यहां पढ़ता है पैसे देके चले गए आधी फीस दे गए मान लो सत्ताईस हजार में पंद्रह हजार रुपये देगा ठीक है आप आए आपको रिसेप्शन में रोका यार सत्ताईस हजार रुपये फीस आपने कहा मेरे फादर दे तो गए थे पंद्रह हजार हमने कहा हमें तो नहीं पता आपने कहा देखो स्लिप अच्छा वो आपके पापा थे अब आप बताओ आप सत्ताईस दोगे या खाली बारह दोगे बारह क्योंकि ऑलरेडी आपके पे आपके फादर देगा सो नो क्या वो वाला अमाउंट हम सेट ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे अब सुनिएगा इक्विटेबल सेट ऑफ होता है उस ट्रांजेक्शन के लिए सेट ऑफ किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए होता है अमित सर क्या कहना चाह रहे हो अब सुनना ध्यान से जब सेम कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ जब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का होता है उसको क्या बोलते हैं सेट ऑफ ये बात है सन दो हजार चौदह की ट्वेंटी फोर्टीन की बात है मेरी क्लास में ना एक लड़की आती थी आप ही की तरह कोई स्टूडेंट आती थी वो ना कपड़े बड़े अच्छे पहनती थी मतलब बहुत बहुत अच्छे कपड़े एक होता है ना कि मतलब ऐसा लगता था मॉडलिंग करती है या कुछ ऐसा लगता था तो कपड़े बहुत अच्छे पहनती थी और पता चलता था एक्सपेंसिव कपड़े पहनती है पता चलता था कि हाँ यार ये जो ड्रेस है ये दस बारह पंद्रह हजार की होगी और दस बारह पंद्रह हजार की ड्रेसेस आप रोज रोज पहन के आ रहे हो तो भाई साहब या तो आप बहुत अमीर हो है ना या आप मॉडल हो या आप कहीं काम करते हो आपका बुढ़ी या कुछ तो होता होगा तो क्या हुआ कि ऐसी बातचीत हुई इससे एक बार क्लास के बाद वो डाउट सोर्स पे पूछ रही थी मैंने कहा यार आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है और बच्चे मेरी जो वाइफ है ना मुझे उससे भी कुछ सूट वूट या कुछ ड्रेसेस गिफ्ट करनी है आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो कहती सर मेरी ना सिस्टर का बुटीक है मैंने कहा तभी पता चला मेहरौली नाम की जगह कुतुब मीनार के पास वहाँ पर उसके सिस्टर का बुटीक है मैंने कहा यार एक काम करना कुछ सूट्स वगैरह का कुछ बताना कहती सर वो मैं सिस्टर को बोल दूंगी आप मैम को बोलिएगा चले जाएँगी मैंने अपनी वाइफ को उसके बुटीक का एड्रेस वगैरह दिया वाइफ चली गई वाइफ जाके दो तीन सूट ले भी आई अब क्या हुआ कि ध्यान से सुनना अब क्या हुआ कि वहां पर जो फीस उसने लड़की ने देनी थी जो वाइफ ने मेरे पैसे देने थे वो एडजस्ट हो गए बीच में अब पहले बताओ क्या यहाँ पढ़ाई के पैसे एडजस्ट हुए एक ही मैटर के हुए या दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या बोलेंगे सेट ऑफ क्लियर है याद रहेगा दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का हो रहा है सेट ऑफ लेकिन अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट का एक ही ट्रांजेक्शन का हो रहा है तो इक्विटेबल सेट ऑफ डन अब सुनना मजे की बात क्या हुई मजे की बात हुई कि वो लड़की तब पढ़ रही थी चार लॉ होते थे चारों लॉ पढ़ रही थी थर्टी सिक्स थाउजेंड हमारी फीस थी था तो चारों लाख की फीस तो वो लड़की कहती है अब ऑफिस का स्टाफ ने बार बार बोला थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ की मैम आपकी फ़ीस पेंडिंग है आपको दो हफ्ते हो गए आते हुए आपने पैसे देने हैं वो कहती है हाँ वो सर से कुछ हिसाब है मैंने करना है तो ठीक है तो उसके बाद स्टाफ ने मैम को बोला मेरी वाइफ को मेरी वाइफ कहती है मैं उनके वहां से दो तीन सूट लाई थी तो जो सूट का अमाउंट है वो बैलेंस करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो उनसे ले लो तो स्टाफ को बोला स्टाफ कहता ठीक है अब मेरी जो वाइफ है उसने बोला जी वो मैम कह रही थी कि आपका जो बिल है वो बनवा लाना वो अपनी बहन से बिल बनवा बन के लाई वो बिल आया अपने जो केस कर रहा है बंदा उसी बंदे के अगेंस्ट क्लेम निकल गया उसको है काउंटर क्लेम मतलब आपने मेरे पे केस फाइल इधर सुनिए मैंने आप पे केस फाइल किया माइलॉट आपने मेरे सत्ताईस हजार रुपए नहीं दिए फीस के ठीक है आपने कोर्ट में रसीद दिखा दी देखो माइलॉट मेरे पापा तो पैंतीस दे के गए थे उल्टा आठ हजार फालतू था अब आप मुझे इनसे दिलवाइए मतलब जो प्लेटिव था उसके खुद के अगेंस्ट क्लेम निकल गया और अब के अगेंस्ट केस चलेगा ये क्या हो गया काउंटर क्लेम याद रहेगी ये बात यस और नो तो इसका मतलब सेट ऑफ ये तीनों है एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट करना सेट ऑफ करना सेम ट्रांजेक्शन में हो रही है इक्विटेबल सेट ऑफ अलग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है सेट ऑफ और अगर जो क्लेमर है जो प्लेटिव है उसी के अगेंस्ट क्लेम निकल जाता है वो क्या हो जाएगा काउंटर के क्लियर है डन अब सुनिए यहां पर बात आती है तीन सेक्शन है 113 114 115 इधर देखिएगा बेटा रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन सर ये तीनों क्या बोलते हैं सुनिएगा बेटा ध्यान इधर लोअर कोर्ट में केस चल रहा है और लोअर कोर्ट जो है उसके इधर इधर देखो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है जज को या पार्टी कोई को दिक्कत हो रही है किसको दिक्कत हो रही है या जज को या पार्टी इसको? कोई भी या जज या पार्टी हायर कोर्ट में जाते हैं और हायर कोर्ट के जज की हेल्प लेते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस समझ आया मैंने क्या बोला लोअर कोर्ट में केस चल रहा है और लोअर कोर्ट में किस या तो जज जिसके सामने केस है या पार्टी दिक्कत आ रही है तो वो क्या हायर कोर्ट के जज के पास रेफरेंस या राय लेने जा सकते हैं एडवाइस लेने हाँ या ना जब लोअर कोर्ट का जज या पार्टीस हायर कोर्ट के जज के, के पास कोई एडवाइस लेने जाते हैं उसको हम बोलेंगे रेफरेंस एम आई क्लियर जवाब दो सिंपल है याद रहेगा रेफरेंस मतलब हायर कोर्ट के पास जाया जा रहा है हायर कोर्ट के पास कौन जा रहा है या लोअर कोर्ट का जज या दोनों में से कोई भी पार्टी डन याद रहेगा सर रिव्यू क्या होता है इधर देखिए पहले तो आप एक चीज बताइए रिव्यू का मतलब क्या होता है? व्यू रिव्यू मतलब दोबारा देखना ये तो यहां पर आप बताओ नई पार्टी के पास जा रहे हो या पुरानी पार्टी के पास दोबारा जा रहे हो पुराने इधर सुनिए आप एक जज के पास गए मेरी बात सुनिएगा आप एक जज के पास गए केस हार गए आपने अब या तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल करते हो अपील हमेशा जजमेंट दी है समझ आ रही है ये हाँ या ना मतलब इन शॉर्ट मैंने और आप, मैंने आप पे केस, किया, केस गया हमारा मान लो दिल्ली हाई कोर्ट मान लो हमारा गया कोर्ट गया केस गया पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर रूम नंबर ट्वेंटी में मोहम्मद खान नाम के जज है उनके बाद हमारा केस है खान साहब ने मेरे अगेंस्ट जजमेंट दे दी मैंने खान साहब को बोला कि सर प्लीज एक बार जजमेंट को दोबारा रिव्यू कीजिए समझ आ रही है बात क्लियर है वो जज की मर्जी है वो रिव्यू करे या ना करे क्लियर है इधर देखिए मेरी बात सुनेगा एक वर्ड आता है रिविजन एक वर्ड आता है अपील मैंने क्या वर्ड बोला रिविजन अपील रिविजन और अपील हमेशा हायर लेवल पे होती है रिविजन और अपील हमेशा हायर लेवल पे होती है राइट लेकिन रिव्यू रिव्यू का मतलब क्या है रिव्यू दोबारा देखना दोबारा कौन देखेगा जिसने पहले देखा था मतलब उसी जज को आप दोबारा देखने के लिए बोल रहे हैं याद रहेगा है? अच्छा एक बात और रेफरेंस का, का मतलब क्या है केस केस हार गया केस चल रहा है और कोई दिक्कत आ रही है रेफरेंस में क्या है है केस चल रहा कोई दिक्कत आ रही है आप हायर लेवल से पूछ रहे हो राइट रिव्यू में क्या है केस हार गए उसी जज को दोबारा बोल रहे हो रिविजन में क्या है केस हार गए हायर लेवल के जज के पास काइंड ऑफ अपील फाइल कर रहे हो याद रखिएगा अपील और रिविजन ये दोनों का मतलब है कि आपके जजमेंट आई है और अब आप ऊपर जा रहे हो हायर कोर्ट में जा रहे हो राइट क्लियर है अच्छा मेरी बात सुनेगा अपील और में ना एक फर्क और होता है सुनिए आप पे कोर्ट कोर्ट ने ने पेनल्टी लगा दी कोर्ट ने बोला लाख का जुर्माना ठीक है मेरी बात सुनेगा कोर्ट ने बोला दस लाख का जुर्माना मैंने कहा ऐसे कैसे बनता ही नहीं तो जब बनता ही नहीं वाला मेरा थॉट है कि नहीं बनता भाई ऐसे कैसे दे दूं तो मैं हायर कोर्ट में क्या फाइल करूंगा अपील ये बात समझ आ रही है लोअर कोर्ट ने मेरे पे दस लाख का जुर्माना लगाया पेनल्टी लगाई तो मैं हायर कोर्ट में क्या फाइल करूंगा अपील ठीक है लोअर कोर्ट ने दस लाख का जुर्माना लगाया मैं बोलूंगा जसा बहुत ज्यादा है देख लो जुर्माना थोड़ा कम कर दो ना यार यहां पर मैं जुर्माने से आ, मना कर रहा हूं या कम करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो उसी जज को बोल रहा हूं तो ये क्या हो गया रिव्यू और हायर लेवल पे जाके कह रहा हूँ मायलोट प्लीज पेनल्टी थोड़ी कम करो ये हो गया रिविजन रिविजन और अपील में फर्क क्या है दोनों हायर लेवल पे हो रही है पर अपील में आप जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रिव्यू में आप रिविजन uh, में आप चाहते हो कि जो जजमेंट है उसमें जो क्वांटम ऑफ पेनल्टी है वो थोड़ी सी कम हो जाए समझ आ रहा है पक्का याद रहेगा सबको चले आगे रिवीजन भी हायर कोर्ट पे और अपील भी पर रिवीजन में क्या है आप कह रहे हो पेनल्टी का क्वांटम कम कर दो और अपील में क्या है कि आप उस पेनल्टी को हटवाना चाह रहे हो क्योंकि आप कहते हो कि आप सही हो आप पे कोई पेनल्टी बनती ही नहीं यस और नो एनी डाउट इन दिस एम आई क्लियर चले आगे अब देखिए अब यहां पर बात आ रही है अपील की अच्छा मेरी बात सुनेगा ध्यान से जब भी आप अपील फाइल करते हो बेटा इधर देखिए जब भी आप अपील फाइल करते हो हायर लेवल पे तो जिसके पास आपने अपील फाइल करी उस कोर्ट कोर्ट वो कोट क्या करती है तीन में से कोई एक ऑप्शन इधर सुनिए आप लोअर कोर्ट में केस हार गए या आप पे दस लाख की पेनल्टी लग गई आपने अपील फाइल करी अब या तो जज साहब बोलेंगे दस लाख की पेनल्टी जो लगी है वो सही है इसको बोलते हैं कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर क्या बोलते हैं Confirmation, मतलब हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर कोई कंफर्म किया लॉर्ड दस लाख की पेनल्टी लगी है कोर्ट कहता है कोई पेनल्टी नहीं लगेगी तुम, पे, तुम सही हो। तो इसका मतलब ने lower का कर कर दिया। क्या कर दिया? क्या या दस लाख की जगह कोर्ट ने कह दिया अच्छा चार लाख दे दो ये हो गया मॉडिफाई तो तीन होते हैं या मॉडिफाई ये बात समझ आ रही है हम अपील क्यों करते हैं क्या हम कभी कन्फर्मेशन के लिए करते हैं हम हमेशा अपील करते हैं हमारी कोशिश होती है या तो दस लाख हट जाए या दस का चार हो जाए पांच हो जाए ये सॉल नो मतलब हमारी कोशिश होती है या मॉडिफाई हो जाए या सेटिसफाइड हो जाए जज की मर्जी है वो मॉडिफाई करे करेंटिस करे या कंफर्म करे सही नहीं नहीं बोल रहा हूं तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है एप्लीकेशन बाई विच पार्टी रिक्वेस्टेड कोर्ट टू सेट असाइड और मॉडिफाई क्या डिसीजन किसका सबोर्डिनेट कोर्ट का समझ आ रही है बात जवाब दो एम आई क्लियर देखिए कह रहे सर जब भी हम अपील फाइल करते हैं तो एक होती है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री ओरिजिनल डिक्री मतलब हम हार गए केस अब हमने अपील, हमने अपील अपील पहले पहली फाइल करी हार गए फिर दूसरी अपील फाइल करी कहता वो भी हार गए फिर कहता हम करते हैं इधर देखिएगा ध्यान से ये जो अपील पहली फाइल करी हमने बेटा इधर सुनिए मान लो असिस्टेंट सेशन कोर्ट है असिस्टेंट सेशन कोर्ट यहां से हम गए सेशन कोर्ट पे ठीक है सेशन कोर्ट से हम गए हाई कोर्ट में फिर हाई कोर्ट से हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट में ये बात समझ आई असिस्टेंट सेशन कोर्ट से सेशन कोर्ट सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अच्छा अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यह डिक्री होती है या ऑर्डर होता है बताया था और मैंने कहा था डिक्री अपीलेबल होती है ऑर्डर जनरली अपीलेबल नहीं होते बार बार ये कहा था लेकिन ये देखो यहां लिखा अपील अगेंस्ट ऑर्डर कहता है अलग तरीके की भी एक अपील होती है अगेंस्ट ऑर्डर और, और मैंने देखो यहां पे क्या लिखा हुआ जनरली जनरली अवेलेबल नहीं होती सर कब कब के अगेंस्ट अपील होती है जब आपको लगता है ऑर्डर गलत है फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सुनिएगा कोर्ट ने बोला प्रॉपर्टी बड़े भाई की है छोटे भाई को बोला दस दिन में खाली करके दो ये गलत ऑर्डर है क्योंकि 10 दिन में आप बोल ही नहीं सकते खाली करने के लिए क्योंकि कम से कम 30 डेज बोलोगे क्यों क्योंकि 30 डेज का टाइम तो मेरे पास अपील फाइल करने का है अगर मैंने 30 डेज में अपील फाइल करी मान लो सुन लो तो क्या खाली करना पड़ेगा है? स्टे लग जाएगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं मैंने अपील फाइल करी तो लग जाएगा ना स्टे मतलब जहां पर अपील का टाइम थर्टी डेज सिक्सटी डेज है वहां पर आप कोई ऑर्डर उससे पहले एग्जीक्यूट होने का नहीं दे सकते समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मान लो आप लोअर कोर्ट में केस आ रहे और जब हारे तो उसमें लिखा हुआ मैटर में लॉ में लिखा है सिक्सटी डेज में अपील कर सकते हो तो लोअर कोर्ट का जो जज है वो कभी भी आपको सिक्सटी डेज से पहले खाली करने के लिए बोल नहीं सकता मतलब जितना टाइम अपील का है आपके पास उतने टाइम से पहले लोअर कोर्ट जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा हाँ या ना भाई लोअर कोर्ट में मैं केस हार गया हारने के बाद अपील का टाइम मेरे पास कितना है सिक्सटी डेज इसका मतलब मैं कब तक अपील फाइल कर सकता हूं सिक्सटी डेज में तो अब सिक्सटी डेज में मुझे सोचना है घर खाली करूं या अपील करूं हाँ ना जज कौन होता है बोलने वाला दस दिन में खाली कर इसका मतलब जज कभी भी आपका ऑर्डर पास करेगा आपके अगेंस्ट तो उसकी एग्जीक्यूशन कितने दिन से पहले नहीं कर सकता जितना टाइम अपील के लिए अवेलेबल है याद रहेगा समझ आ रही है कहानी पक्का क्लियर है सबको चले आगे तो ये चार तरीके की अपील होती है और उसके बाद सेकेंड उसके बाद एक हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और एक अगेंस्ट ऑर्डर जो कि जनरली अवेलेबल नहीं होती है न? अब देखिए इधर एक होता है इंजंक्शन क्या इंजंक्शन के बारे में आपको अगर याद हो तो इंजंक्शन के बारे में हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी एक पार्टी, एक पार्टी इधर सुनिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ डी चार पार्टनर है चारों गार्मेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं मतलब हमारी जो फॉर्म है उसका बिजनेस क्या है कपड़ों का गार्मेंट्स का और हमने लिखा हुआ है अपनी पार्टनरशिप डीड में कोई भी पार्टनर पर्सनल कैपेसिटी में गार्मेंट्स का बिजनेस नहीं कर सकता क्लियर है एबीसीडी चार पार्टनर्स हैं कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं और डीड में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर ए, पर्सनल कैपेसिटी में कपड़ों का बिजनेस नहीं कर सकता फिर भी डी कर रहा है क्या एबीसी मिलकर उसको रोकेंगे हा या ना रोकेंगे हा या ना इसी को तो इंजंक्शन बोलते हैं इंजंक्शन का मतलब क्या है माइलॉर्ड इसको रोको ये बंदा ये गलत काम कर रहा है ये गलत काम ये बंदा नहीं कर सकता ये ऑल नो क्लियर है मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा देखिए वेन एवर अ पर्सन इज डूइंग एन एक्ट मेरी लैंग्वेज सुनिएगा वेन एवर अ पर्सन इज डूइंग एन एक्ट

रिलीफ अब आप सोचो ना इधर बच्चा इधर सुनिए किसी बंदे ने मेरा कॉपी राइट किया और वो मेरी चीटिंग करके चीजें बेची जा रहा है मुझे नुकसान पहुंचा रहा है सबसे पहले हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या है कोर्ट हमें इंजंक्शन ग्रांट करे मतलब कोर्ट उसके कंटेंट पे रोक लगा दे yes no. यस और नो क्योंकि मान लो एक बंदा गलत काम कर रहा है वो कर नहीं सकता तो आप प्लीज हमें इंजक्शन प्रोवाइड कीजिए एम आई क्लियर समझ आती है कहानी पक्का चले आगे अब देखिए अब यहां पर ये दो क्वेश्चन है समरी प्रोसीजर ये भी इंपॉर्टेंट है एंड बाय और अगेंस्ट माइनर ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेगा पहला टॉपिक है समरी प्रोसीजर राइट समरी प्रोसीजर का क्या मतलब है सुनिएगा आपको जब मैंने सिविल प्रोसीजर कोर्ट पढ़ाया बेटा इधर सुनिए तो मैंने क्या बोला बहुत टाइम लगता है केस में क्यों पहले आप केस फाइल करते हो फिर सामने वाला रिप्लाई करता है जब सामने वाला रिप्लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है मैंने कोर्ट में प्लेन फाइल करी, कोर्ट ने उसे करी फिर सामने वाले यहां पर जब मैं कह रहा हूं, सामने वाला रिप्लाई फाइल कर रहा है क्या मैं उसे स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस भी बोल सकता हूं क्या सामने वाला अपने बचाव में कुछ बात बोल रहा है हा या ना भाई ए ने बी केस किया बी का जवाब आया

रूल ऑफ ऑडी ऑडियल पार्ट फेयर हियरिंग के अगेंस्ट हो गया कहता नहीं ऐसा नहीं है हमने पढ़ा था ना जहां पर लॉ ने मना किया हुआ है वहां पर आपको नेचुरल जस्टिस नहीं मिलेगा याद आ रहा है एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस स्टैच्यूटरी एक्सक्लूजन बाय लॉ पहला पॉइंट था उसमें यस और नो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे इधर समरी प्रोसीजर में क्या कह रहा हूं डिफेंडेंट इज नॉट एन टू डिफेंड इज स्यूट क्लियर है यह बात और ये सिर्फ कब होता है अंडर रिकवरी ऑफ

स्पेशल लीव पटीशन फाइल कर ले। मैंने ये पहले बताया था आपको कि का मतलब ये में आपको राइट नहीं है अपनी बात बोलने का लेकिन मतलब पिटीशन फाइल विद परमिशन मतलब मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया आपको जवाब देने का राइट नहीं था लेकिन आपने एस एल पी के लिए वन थर्टी सिक्स आर्टिकल में हाईकोर्ट का सहारा लिया मैं इधर सुनिए मैं तीस हजारी कोर्ट में गया मैं तीस हजारी कोर्ट में जाके या पटियाला हाउस कोर्ट में जाता हूं आपके अगेंस्ट इस मैटर में ठीक है आपको बोलने का राइट नहीं है आप हाई कोर्ट के पास जाते हो आर्टिकल 136 में और हाई कोर्ट कहता है अच्छा आप अपनी बात बोल दो तो राइट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा हाँ या ना फिर समरी प्रोसीजर होगा या डिले हो जाएगी बात फिर समरी प्रोसीजर रहा या बात डिले हो गई सोच के जवाब दो समरी प्रोसीजर का मतलब क्या है आपको बोलने का राइट नहीं दिया गया लेकिन अगर आपको बोलने का राइट नहीं दिया जा रहा और आप हाई कोर्ट में जाके एसएलबी फाइल कर देते हो क्या स्टेट में क्या स्पेशली लीव पेटिशन फाइल कर देते हैं और हाईकोर्ट आपको परमिशन दे देता है तो फिर ये समरी हुआ है दोबारा नॉर्मल हो गया नॉर्मल हो गया समझ आ रही है ये देखो क्या कह एस एल पी फाइल हो सकती है अंडर आर्टिकल ऑफ क्लियर है मतलब ये कि वैसे तो समरी प्रोसीजर का मतलब है आपके अगेंस्ट केस चलेगा आपको बोलने का हक नहीं है लेकिन सुनिएगा लेकिन कहता है आपको बोलने का हक नहीं है लेकिन अगर आपको हाईकोर्ट ने ऐसे एस एल पी आपकी फाइल एक्सेप्ट कर ली तो आपको बोलने का राइट मिल जाएगा लेकिन कहता कोर्ट कब कब एस एल फाइल आ, आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मतलब हाई कोर्ट में आप जा रहे हो कि प्लीज माय लॉर्ड मुझे बोलने का हक नहीं है फिर भी आप दे दो कहता हाई कोर्ट नहीं देगा अगर आपका डिफेंस झूठा हुआ हुआ गलत हुआ, या अमाउंट आपने एक्सेप्ट किया था कि मैं दे दूंगा लेकिन आपने अभी तक पे ऑफ नहीं किया समझ आ रही है ये बात यस और नो इन शॉर्ट लोअर कोर्ट के सामने आपने कहा था हाँ लॉर्ड मैं पैसे दे दूंगा इधर सुनिए आपने अभी सुना होगा कि अनिल अंबानी जो था

थर्टी सेवन जो है वो समरी प्रोसीजर की बात करता है बच्चे समरी प्रोसीजर का मतलब है कि आपका जो केस है वो जल्दी जल्दी चलेगा जल्दी जल्दी तभी चलेगा जब सामने वाले डिफेंडेंट को अपनी बात बोलने का राइट नहीं है क्लियर है ये बात सर उसको बोलने का राइट नहीं है लेकिन वो राइट मिल सकता है अगर वो हाई कोर्ट में आर्टिकल वन थर्टी सिक्स में क्या फाइल कर दे स्पेशल लीव पटिशन लेकिन हाई कोर्ट उसकी स्पेशल लीव पटीशन में कब इग्नोर कर देगा कब उसको रिजेक्ट कर देगा पहला पॉइंट जब वो उसका फ्रिवलेस डिफेंस है यूजलेस डिफेंस है या उस बंदे ने कमिट किया था कोर्ट के सामने के वो कुछ पैसे देगा और उसने वो पैसे नहीं दिए तो उसे उसे बोलने का राइट right नहीं मिलेगा मतलब ये कि जब समरी प्रोसीजर में चीज जाती है केस करने वाला तो चाहेगा ना समरी समरी प्रोसीजर में जाए जल्दी जल्दी निपटे हाँ या ना लेकिन समरी प्रोसीजर सिर्फ किस केस में हो सकता है सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के केस में हो सकता है अब आप सुनो मेरा जो केस है जो मेरा वाला केस है इन्फिजमेंट वाला क्या वो रिकवरी ऑफ मनी का है या प्राइमर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट का है मैं क्या पैसे के लिए केस कर रहा हूं या पहले ये प्रूव होता मेरा तो मेरा रिकवरी ऑफ मनी का है तो इसका मतलब क्या मैं समरी प्रोसीजर में जा सकता हूं नहीं जा सकता प्रोसीजर में, में जाया जाता है जिसमें प्योर रिकवरी ऑफ मनी याद रहेगा क्लियर है? है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनिए मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पब्लिशर था पहले तो अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती थी मुनाफा होता था कार्वी नॉलेज ने मेरे साथ बहुत पैसा कमाया भाई मेरे को रॉयल्टी मिलती थी उसको प्रॉफिट मिलता था लेकिन जब उस बंदे ने हमारी बुक पूरी कॉपी कर ली और उसको वीडियो की फॉर्म में देना शुरू कर दिया तो हमारी बुक खरीदना बंद हो गए बच्चे जब बुक्स में हमें लॉसेज हुए तो क्या लॉसेज कार्वी नॉलेज को कितना लॉस हुआ अराउंड एक करोड़ बीस लाख का लॉस हुआ क्या कार्वी नॉलेज केस फाइल कर सकता है उस बंदे पे कर सकता है अगर करेगा अगर लेक्सिस नेक्सिस और नॉलेज केस फाइल करेगा तो क्या वो इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपी का होगा या रिकवरी ऑफ मनी का या रिकवरी ऑफ लॉस का होगा इन्फ्रिंचमेंट का तो होगा नहीं क्योंकि राइट right तो था ही नहीं उनका राइट right तो मेरा है तो मतलब मैंने केस फाइल किया तो वो क्या है इन्फ्रिंचमेंट का वो करेंगे तो किसका होगा रिकवरी ऑफ मनी का और रिकवरी ऑफ मनी का जो केस होगा उसमें हो सकता है सामने वाले को बोलने का राइट right? ना एम आई क्लियर याद रहेगा पक्का समझ आ रही है समरी प्रोसीजर जो है उसमें सामने वाले को बोलने का राइट नहीं होता है ये सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी में होता है हाँ वो चाहे तो स्पेशली पिटिशन फाइल कर सकता है कहां पे हाई कोर्ट में आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब फिर वो समरी प्रोसीजर से नॉर्मल प्रोसीजर पे आ जाएगा लेकिन हाई कोर्ट उसको उसकी एस एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसका डिफेंस यूजलेस है या उसने पहले प्राइस अमाउंट कमिट किया था वो अमाउंट पे ऑफ नहीं किया डन चले आगे अब देखिए

और फिर वो माइनर मेजर खुद कब हो जाएगा अठारह साल की एज में या इक्कीस साल की एज में डिपेंड करता है कहीं पे अठारह साल, साल होता है कहीं पे इक्कीस साल होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कई बार देखा हो हमारी एज अठारह होती है मेजोरिटी लेकिन लड़कों की शादी की एज क्या होती है अठारह या इक्कीस इक्कीस होती है राइट right? लड़कियों की अठारह होती है लड़कों की इक्कीस होती है आपके पेरेंट्स की डेथ होगी और उनकी प्रॉपर्टी आप बच्चे हो उनकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आती गार्जियन के पास जाती है आपको तब मिलते हैं जब आप 21 साल के हो जाते हो उस केस में भी 18 नहीं है एज कितनी है 21 मतलब इंडिया में कुछ लॉस में 18 मेजोरिटी माना जाता है कुछ लॉस में 21 माना जाता है क्लियर है अब आप माइनर थे तो आपके बिहार पे आपके नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड ने केस कर दिया अब आप मेजर हो गए मेजर होने के बाद आप समझदार हो गए एडल्ट हो गए कहता है अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस केस को कंटिन्यू करना या नहीं करना सिंपल सी बात है माइनर में डिसाइड टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू शूट आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी

गार्जियस नो क्लियर है सबको याद रहेगा सिंपल है तो ये और अगेंस्ट माइनर है, समरी प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है वगैरह वाला नाइनटीन ट्वेंटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड टेन इलेवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर है जी समझ आ गई कहानी तो यहां पे हमारा सिविल प्रोसीजर कोड नाइनटीन जीरो